हैं भूली गई, एक तो झलक बताई देता रहा डांस। आज का सीन क्या है कि घर का जो बर्नर था वो खराब हो गया है, तो वो अभी ठीक करवाने हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये शॉप है, पता नहीं भाई शॉप खुली रख के कहाँ पे गए। हमारा बर्नर ये रहा और एक इंसान ये रहा जिसको हम लोग साथ में लेके आए ये पकड़ने के लिए। नींद में से उठा के ये देखो इस भाई को कैसे बैठे बाइक पे, दोनों पैर ऊपर चढ़ा के, वो आगे पता नहीं थैला क्या लटका है, क्या भाई की चप्पल का है पता नहीं, चप्पल उस साइड निकाल के रखी है। तो आज का सीन क्या था, जस्ट अभी मैं ऑफिस में पहुंचा हूं और सुबह सुबह बाहर गया था क्योंकि गैस बर्नर खराब हो गया था। और एक ये सजेशन है, इफ आपका बर्नर सही चल रहा है तो कोई भी अगर घर पे सर्विस करने आ रहा है तो उसको मत बुलाओ, मत करवाओ, कि वो पता नहीं क्या करता है उसके बाद खराब हो जाता है। सेम मेरा प्रॉब्लम यही हुआ, दो दिन पहले कोई सर्विस वाला आया था घर पे, तो मम्मी और पापा ने उसको बुला लिया सर्विस की, क्या किया पता नहीं, तो जो बर्नर था वो नीचे से टूट गया और जो गैस पाइप थी वो भी वहां से टूट गई। तो तुरंत मेरे को सुबह उठ के दौड़ना पड़ा ठीक करवाने के लिए। तो अभी का सीन क्या है, ये अपना ऑफिस के नीचे कैफे है और यहीं पे मैं आता हूँ पफ खाने के लिए, तो अभी पफ ऑर्डर किया है, पफ आता है खाएंगे, फिर चलते हैं ऊपर थोड़ा काम वगैरह है वो शुरू करते हैं और फिर शाम को घर पे। कि मेरे जो पास TL थे मतलब टीम लीडर, उनका मुझे फ़ोन आया, उनको अर्जेंसी में रिक्वायरमेंट है ब्लड प्लेटलेट्स की, तो उन्होंने मुझसे पूछा। तो वैसे मैं हमेशा ब्लड डोनेट तो करता हूँ, तो इस बार मैं सोचा हूँ कि ब्लड प्लेटलेट्स ही डोनेट कर दूँ। तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ मैं, ध्वनि ब्लड सेंटर करके कुछ है सयाजी होटल के आजू बाजू में, तो वहाँ पे जाता हूँ और ब्लड वगैरह डोनेट करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपको शाम को सीधा, या फिर वहाँ पे एक दो शॉट घूमने तो दिखा दूँगा। तो जो काम के लिए मैं यहाँ पे आया था एक्चुअली वो नहीं हो पाया, उसका रीज़न ये है कि मेरी जो वेन है वो काफ़ी अंदर है और बहुत ही पतली है, और ब्लड प्लेटलेट्स देने के लिए वेन थोड़ी मोटी और बाहर चाहिए, तो जो मेरी नहीं थी इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी। तो एक टाइम था मैं भी वैसे वहाँ पे क्रिकेट खेला करता था यही ग्राउंड में, तो देखो वहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे खेलते थे इस साइड, लेकिन अभी सब ये सब क्या कर दिया इन लोगों ने, ये देखो, और यहाँ पे बिल्डिंग बन गई इसलिए अभी खेलना बंद हो गया, काफी समय हो गया क्रिकेट वगैरह भी नहीं खेले अब तो। वहाँ पे काफी बढ़िया सुंदर चांद दिखता हुआ, फुल चांद एकदम गोल सा, देखो ये है एकदम परफेक्ट राउंड में। जा रहे सिटी में थोड़ा सामान वगैरह लेना है, वो लेने के लिए क्या सामान है वो आपको दिखाते क्या लेना है वो। भी हम लोग लेना है वो सरप्राइज है, उसका सरप्राइज कल रात को 9 बजे के ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा क्या सरप्राइज है। थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल गया होगा जो मैंने पीछे के वीडियो में दिखाया उससे, लेकिन वो सरप्राइज रहेगा, वो कल देखने मिलेगा आपको। और कल देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या है डांस प्रैक्टिस में पहुंच गए हम लोग और अभी फटाफट मस्त डांस प्रैक्टिस करते हैं, और कल जो है मैं जो सरप्राइज रखा है उसके वजह से थोड़ा काम भी है, तो डांस प्रैक्टिस खत्म करके वहाँ पे रात को वहाँ पे जाना है, तो वो सब डेकोरेशन वगैरह करना है, वो क्या है वो आपको कल पता चल जाएगा। सब नई डांसर आई डांस करने के लिए, तो डांस करीस ने क्या सॉन्ग पर डांस करीस करवा नीचे तू डांस कर, तो एक बेस्ट स्टेप बताए आओ डांस करवा नीचे तू कालू तू तू क्या डांस पर करीस है कहू। आज का डांस यहीं पे ख़त्म हुआ है, बहुत प्रैक्टिस की शक्ल से दिख रहे होगा थक गए, अभी घर पे जाके सो जाते हैं मस्त। इसी के साथ आज का दिन भी यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।